गुड इवनिंग चिल्ड्रन, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7। टॉपिक नेम इट्स एडजेक्टिव। रीराइट करेक्टली। मैनी ब्रेवली सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू गिव अस फ्रीडम। अनेक सैनिकों ने अपना जीवन त्याग दिया टू गिव अस फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, जो ये ब्रेवली है, ठीक है, ये ब्रेवली क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रीराइट करते हैं। मैनी मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू गिव अस फ्रीडम। अनेक सैनिकों ने या बहुत से सैनिकों ने अपना जीवन त्याग दिया हमें आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेंगे। चलिए दूसरा है, द पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल इज वेरी ब्यूटीफुली। देखिए ब्यूटीफुली क्या है, ये ब्यूटीफुली आपका एक एडवर्ब है और हमें इसे चेंज करना है, हमें इसको बदलना है किसमें, एडवर्ब में। द पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो आप इसको ब्यूटीफुल में बदल देंगे। चलिए थर्ड वन देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज टू लेंथ। लेंथ क्या है, ये आपकी एक नाउन है, वी विल सोल्व इट लेटर, हम इसको बाद में करेंगे। ये जो क्वेश्चन है क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ है आप इसको बदलेंगे, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज टू लेंथी, वी विल सोल्व इट लेटर, तो फिर ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अभी आप इनको समझते रहिएगा, ठीक है, आप पहले समझिएगा इनको और बाद में फिर आपको इस एक्सरसाइज के बाद में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जो इनका सॉल्यूशन है वो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं। चलिए डी देखते हैं, देन कन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन अ लार्जली हॉल। देखिए जो सभा है, सभा आयोजित हुई थी, सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी, इन अ लार्ज हॉल, ये लार्जली गलत है, क्या करेंगे हम इसमें, लार्ज हो जाएगा, ठीक है, इन अ लार्ज हॉल। चलिए आगे देखते हैं, सी ओ एन एफ ई आर ई एन सी, ये क्या होता है, ये होती है सभा, ठीक है। चलिए द बुक इज अ वेल कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द बुक इज अ वेल कलेक्शन ऑफ पोएम्स, वेल क्या है, ये आपकी एडवर्ब है, ठीक है, और आप इसको बदल देंगे, दिस बुक इज अ गुड कलेक्शन, दिस बुक इज अ गुड कलेक्शन ऑफ पोएम्स, गुड यहाँ पे आपकी एडजेक्टिव है, तो ये फिर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सी इज डल, सी इज डल एनफ टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए डल क्या है, ये डल आपकी एडजेक्टिव है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है, जो यहाँ पे इसको रीराइट करके करेक्टली बनाना है। सी इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस, वह इसको समझने के लिए पर्याप्त समझदार है। चलिए ठीक है, तो आप डल को चेंज कर देंगे इंटेलिजेंट से, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी। चलिए आगे देखते हैं, एच ही वॉज सो क्रूल दैट ही कुड नॉट बाय अ हाउस। देखिए वॉज सो क्रूल, ठीक है, वॉज सो क्रूल, अब देखिए क्रूल क्या होता है, निर्दयी होता है, क्रूर होता है, ठीक है, दैट ही कुड नॉट बाय अ हाउस। चलिए अब यहाँ पे इससे तो कुछ सेंस नहीं बन रहा, कोई क्रूल है वो हाउस परचेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये एक प्रॉपर सेंस नहीं आ रहा है। He was so poor, कर लेंगे आप इसको, He was so poor that he could not buy a house, तो cruel को आप चेंज कर देंगे poor में। चलिए आगे देखते हैं, Salt is a strange gift of nature। देखिए जो salt है, salt क्या है, strange gift of nature है, तो आप strange को बदल देंगे an amazing, salt is an amazing gift of nature। चलिए The room was black, कमरा काला था, ही कुड नॉट सी एनीथिंग। अब देखिए कमरा काला होना, आई थिंक ये आपको एक प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आप करेंगे द रूम वॉज डार्क, मतलब कमरे में अंधेरा था, तभी तो आप कमरे में कुछ नहीं देख पा रहे, द रूम वॉज डार्क, ही कुड नॉट सी एनीथिंग। चलिए आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर सेमलेस, दे वर्क टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। चलिए यहाँ पे देखिए जो सेमफुल है, सेमफुल क्या होता है, लज्जाजनक होता है, ठीक है, दे वर्क टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर सेमलेस, दे वर्क टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। चलिए तो सेमफुल को बदल देंगे सेमलेस में। चलिए आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर वो सही आंसर्स है, एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं, मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू गिव अस फ्रीडम, द पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, द क्वेश्चन इज टू लेंथी, वी विल सॉल्व इट लेटर। नाउ नंबर डे इज द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन अ लार्ज हॉल,
दिस बुक इज अ गुड कलेक्शन ऑफ पोएम्स, सी इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय अ हाउस, साल्ट इज एन अमेजिंग गिफ्ट ऑफ नेचर, द रूम वॉज डार्क ही कुड नॉट सी एनीथिंग, द रूम वॉज डार्क. ओके, नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर सेमलेस, दे वर्क टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट. चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज टू की बात करते हैं, बहुत आसान है, आप कर लेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स. ठीक है, यहाँ पे एक बार देखते हैं. ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क प्रोवाइड्स बेनिफिट्स लाइक, देखिए दूध पीना हमें कई प्रकार के फायदे पहुँचाता है, कौन किस तरह के फायदे होते हैं वो, तो यहाँ पे लाइक हेल्दी टीथ, यहाँ पे आप फिल करेंगे हेल्दी टीथ. ठीक है, हेल्दी टीथ. चलिए आगे देखते हैं. ही डज नॉट लाइक स्पेस फूड. चलिए, वह पसंद नहीं करता है, क्या पसंद नहीं करता है, खाना पसंद नहीं करता, कैसा खाना, स्टेल फूड, STALE, स्टेल मतलब क्या होता है, बासी. ठीक है, जो खाना फ्रेश नहीं होता है. चलिए आगे देखते हैं. ह्यून तसेंग एक था स्कॉलर था, कैसा स्कॉलर था, वाइज स्कॉलर, आप इसमें कर सकते हैं, गुड स्कॉलर कर सकते हैं. चलिए, ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज स्पेस जॉब, वह अपनी जॉब को बदलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज जॉब. चलिए तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे प्रेजेंट जॉब, मतलब जो अभी वर्तमान में वो जॉब कर रहा है वो उसको बदलना चाहता है. चलिए, वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू बिकम, हमें क्या बनने की कोशिश करना चाहिए, ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टफुल सिटीजन, मतलब हमें ईमानदार और सम्मान, ठीक है, ईमानदार और सम्मानीय है. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप फिल करेंगे ऑनेस्ट. एफ देखते हैं, पैशमीना इज द स्पेस टाइप ऑफ कैशमेयर वूल, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे फाइनेस्ट टाइप ऑफ कैशमेयर वूल, यहाँ पे फिल करेंगे वन में फाइनेस्ट. इट वॉज फर्स्ट मेड इन कश्मीर इन इंडिया, द वर्ड लिटरली मीन्स सॉफ्ट गोल्ड इन कश्मीरी, सॉफ्ट. ठीक है, थर्ड देखते हैं, अगर पैशमीना शॉल्स आर लाइक्ड बाय पीपल फॉर देयर रैम्प्स वार्म्स, यानी अपनी गर्मी के लिए. ठीक है, देयर बेस्ट क्वालिटी इज दैट, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे बेस्ट, देखिए लाइट्स बार आने वाला है, इज दैट दे आर वेरी लाइट इन वेट. ठीक है, चलिए, दे गिव एन एलिगेंट लुक एंड ड्रेप वेरी नाइसली. चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज टू है, आप उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ देख सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट, ठीक है, हेल्दी, स्टेल, वाइज, प्रेजेंट, ऑनेस्ट, फाइनेस्ट, सॉफ्ट, बेस्ट, लाइट, एलिगेंट. चलिए अब एक्सरसाइज थ्री की बात करते हैं, इसको समझते हैं. यस, दिस इज फ्रॉम हियर. पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट द काइंड, पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट द काइंड. अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है आप उसको, आपको उसे फाइंड करना है और फिर आपको ये बताना है कि ये किस तरह का है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले द कार सस्टेन हैवी डैमेज इन द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो क्या है, हैवी. ठीक है, आप हैवी को मार्क कर लेंगे, हैवी आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये किस तरह का है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पे ये क्वालिटी की बात कर रहा है. ठीक है, द कार सस्टेन हैवी डैमेज इन द एक्सीडेंट. चलिए आगे देखते हैं. ही हैज रिटन सेवरल स्टोरीज, ठीक है, तो यहाँ पे उसने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं. ठीक है, ही हैज़ रिटन सेवरल मतलब बहुत सी. अब यहाँ पे जो आपका सेवरल है ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे ये किस तरह का है, इनडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पे आपको इनडेफिनिट है, मतलब कन्फर्म नहीं है ना, अगर यहाँ पे होता 2, 3, 4, 5 इट मीन्स डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, ये आपका इनडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पे आपका कन्फर्म नंबर नहीं है. सी देखते हैं, अ डॉग इज वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर. अब यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में वो है फेथफुल. फेथफुल क्या होता है, वफादार. ठीक है, जो एक कुत्ता होता है वो अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा वफादार होता है. चलिए, जो फेथफुल है ये आपका क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यहाँ पर एक डॉग की क्वालिटी बताई गई है. ठीक है, कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या है वो, वफादार है. एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो है एवरी. ठीक है, और ये किस तरह का एडजेक्टिव है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव. चलिए आगे देखते हैं.
ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है फ्यू। ये किस तरह का है? इनडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव है। कैसा है? इनडेफिनिट। एक बार फिर से देखेंगे आप फ्यू, ठीक है, फ्यू मतलब कुछ वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्यू आपको कन्फर्म नहीं पता है कि यहाँ पे दो वर्ड, तीन वर्ड या फिर चार वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फ्यू है, चलिए अभी ऊपर आपने देखा था जो सेवरल है वो भी आपका था इनडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं, नीदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट, नीदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। अब यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो है नीदर, और ये किस तरह का है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, विच कलर डू यू प्रेफर, विच कलर डू यू प्रेफर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद है, मतलब आप कौन सा कलर पसंद करोगे जो ज़्यादा पसंद हो, तो यहाँ पे जो विच है वो क्या है? आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। चलिए आगे देखते हैं, दे द वे वॉज लॉन्ग, द वे वॉज लॉन्ग, द विल वॉज कॉल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एच देखते हैं, द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कॉल्ड। चलिए तो यहाँ पे आपने एच, ठीक है, एच देखते हैं यहाँ पे हमारा, द वे वॉज लॉन्ग। अच्छा देखिए यहाँ पे लॉन्ग और कॉल्ड, यहाँ पे आपके दो एडजेक्टिव हैं, लॉन्ग, ठीक है, और कॉल्ड, तो ये दोनों कैसे? द वे वॉज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, द विंड वॉज कॉल्ड, ठीक है, द विंड वॉज कोल्ड, हवा थी वो ठंडी थी, तो यहाँ पे ये दोनों ही क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ते की क्वालिटी क्या है? वो लंबा है, और यहाँ पे जो हवा है उसकी क्वालिटी क्या है? वो ठंडी है, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। एच के बारे में आई इसके नीचे दिया हुआ है। चलिए चलिए, ही कॉल्स मी एवरी डे, ही कॉल्स मी एवरी डे, तो यहाँ पे आपका एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये देखते हैं, I have not seen him several days. I have not seen him in several days. ठीक है, चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे जो several है वो क्या आपका indefinite number adjective है, indefinite number adjective है, ये एक बार पहले भी आ चुका है। चलिए, Jack won the second prize. Jack ने क्या जीता है? Jack ने दूसरा prize जीता है, ठीक है, Jack won the second prize. तो यहाँ पे जो second है वो कैसा है? डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव है। अभी देखिए इनडेफिनेट आया था, फ्यू आया था, सेवरल आया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कन्फर्म है कि दूसरा प्राइज, ठीक है, जो सेकेंड पोजिशन वाले बच्चों को मिलता होगा, एंड ही हैज़ वॉन दैट प्राइज, तो यहाँ पे डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जैक वॉन द सेकेंड, सेकेंड आपका इसमें है। चलिए, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, ही वॉज एबसेंट। अब देखिए यहाँ पे वो जो बच्चा है वो क्लास से एबसेंट था, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो एबसेंट है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, ग्लोरियस, ठीक है, तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। चलिए, अ स्मॉल लीक इज एनफ टू सिंक अ ग्रेट शिप, देखिए एक बड़े जहाज को डुबाने के लिए छोटा सा भी जो लीक है उसमें वो भी मतलब पर्याप्त है, ठीक है, मतलब अगर कोई शिप है उसमें छोटा सा होल हो जाए, छोटा सा भी लीक हो जाए, तो वो भी उसको डुबा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो है अ स्मॉल और ग्रेट, अ स्मॉल, ठीक है, छोटा और ग्रेट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इन दोनों में आप इनको मार्क कर लेंगे, स्मॉल और ग्रेट को। लास्ट देखते हैं, ओ किंग फ्रांसिस वॉज अ वेरी सॉरी किंग फ्रांसिस वॉज अ हर्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। चलिए तो यहाँ पे आपका हर्टली और रॉयल, ये दोनों क्या हैं आपके? हर्टी और रॉयल, ये दोनों आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में आते हैं। चलिए देखो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ दिया गया है, नाउ यू मे सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, हैवी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेवरल इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, ये मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, यस, सेवरल इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। चलिए, फेथफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, फ्यू इनडेफिनेट, देखिए फ्यू आपका एक बार फिर से आपको फ्यू इनडेफिनेट, यानी कि यहाँ पे आपका डेफिनेट नहीं है। चलिए, और जो सेकंड है वो आपका डेफिनेट में आ जाएगा, ये रहा। चलिए, नीदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, लॉन्ग एंड कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए यहाँ पे विशेषता है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स एडजेक्टिव, ठीक है,
सेवरल इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, सेकेंड डेफिनेट में आ गया, ये इनडेफिनेट में आता है सेवरल, क्योंकि कितने हैं ये आपको कंफर्म नहीं पता है। एबसेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ग्लोरियस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, स्मॉल एंड ग्रेट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हर्टली देखिए यहाँ पे ये आपके क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज की। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव्स। चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। सबसे पहले है ही इज स्पेस देन हिज नेबियर्स। देखिए वो है, क्या है वो, देन हिज नेबियर्स। यहाँ पे आप कर सकते हैं ही इज गुड देन हिज नेबियर्स, वह अपने पड़ोसियों से अच्छा है, ठीक है। ही इज फ्रेंडलियर देन हिज नेबियर्स, वह अपने पड़ोसियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है या उनसे ज़्यादा मित्रीपूर्ण है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गुड कर सकते हैं, फ्रेंडलियर कर सकते हैं। द ब्राइड्स वर मच स्पेस देन द ग्रूम्स, बेटर कर लेंगे आप, द ब्राइड्स वर मच बेटर देन द ग्रूम्स। चलिए द ब्राइड्स वर मच ब्यूटिफुल देन द ग्रूम्स। चलिए ही इज टू, तो आप ऊपर करेंगे बेटर, ही इज टू स्पेस टू बी टॉट, ही इज टू डम्ब टू बी टॉट, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या है, डम्ब है। चलिए डी है ही इज स्पेस देन आई थॉट हिम टू बी, ही इज मतलब वह है, क्या है, देन आई थॉट हिम टू बी, मतलब वो है जो जो मैं सोचता था उससे भी कहीं ज्यादा है। चलिए ही इज मोर इंटेलिजेंट, वह ज्यादा होशियार है, देन आई थॉट हिम टू बी, मतलब वह ज़्यादा होशियार है जो मैं सोचता था उससे भी कहीं ज़्यादा होशियार है। चलिए वैन द ओल्ड वुमैन बिकेम, वैन द ओल्ड वुमैन बिकेम स्पेस सी बिगेन टू मूव अबाउट। चलिए वैन द ओल्ड वुमैन बिकेम वेल, मतलब जब वो ठीक हो गई, ठीक है। यस वैन द ओल्ड वुमैन बिकेम वेल और हेल्दी, आप हेल्दी मेंशन कर सकते हैं, सी बिगेन टू मूव अबाउट। He is much space now. He is much space now. He is much better now. ठीक है, तो पहले से अच्छा, he is much better now. जी the offer was too space to be true. The offer was too good to be true. आप इसमें good mention कर लेंगे। He fishes with space success than I do. He fishes with greater success than I do. He wishes with more success than I do. तो आप दोनों में से कोई भी एक मेंशन कर सकते हैं। चलिए शेक्सपियर इज द स्पेस प्ले राइट इन इंग्लिश, ठीक है, शेक्सपियर इज द बेस्ट प्ले राइट इन इंग्लिश। देखिए बच्चों ये आपने लिटरेचर में नाम सुना होगा, तो इसके बारे में आपको बता दूं, जो शेक्सपियर की जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है 1564 और डेट ऑफ डेथ 1616, इनके वेल नोन जो ट्रेजिडीज हैं वो होकम के नाम से है, H स्टैंड फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ। वैसे ये आपके लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए होता है, बट यू मे कीप दिस थिंग इन योर माइंड। चलिए द पेन वॉज स्पेस द पेन वॉज मोर सेवरे, ठीक है, सेवरे देन ही कुड बियर, मतलब जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा था। चलिए आगे देखते हैं, द स्पेस थिंक ऑफ ऑल वॉज दैट हिज सन वॉज ड्यूड टू हिम, the space think of all was that his son was rude to him, the worst thing of all was, जो मतलब सबसे बेकार चीज़ थी, सबसे बेकार बात थी, वो क्या थी, WORS worst, आप इसमें mention कर लेंगे। Jane was the space player of two, Jane was the better player of the two, मतलब दो में से जो बेहतर था, ठीक है, Jane was the better। चलिए यहाँ पे इनके आंसर देख लेते हैं, fill in the blanks, ठीक है, गुड बेटर डम्ब मोर इंटेलिजेंट वेल बेटर गुड ग्रेटर बेस्ट मोर सेवरे वर्स्ट एंड बेटर। और वेल की जगह आप और भी क्या फिल कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं हेल्दी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए और आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप इनको, जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है इंग्लिश की, आप इनको कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस तरह के होम ट्यूशन की या फिर उनको इस तरह का अपना वर्क कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए बच्चों थैंक यू, हैव अ गुड डे।